सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर साहब, मैं बस तो जाऊंगा ना, कहीं और जाते तो मुश्किल था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा के पास है। अरे बाबूजी, आप आ गए। जीते रहो बेटे, खुश रहो। कैसी है माँ? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अरे काय का ठीक है, दिन रात पेशेंट लोग की सेवा करता, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं उसके पास। कर बेटे, ऐसे ही दिल लगा के लोगों की सेवा कर, बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जी बाबूजी। अरे हाँ बेटे, जरा ऐसे देख, चोट आई है इसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी, ट्रीटमेंट करो। फिकर करने की कोई बात नहीं, डॉक्टर लोहाना संभाल लेंगे। बहुजी आप थक गए होंगे, जाके आराम कीजिए ना। अरे तुझे देखकर सब थकान दूर हो जाती है। क्या हुआ उसे? धुलाई। सिलाई, सिलाई माँ, स्टिचेस देते हैं तो दर्द होता है ना। पूरे 1,00,000 रुपए हैं, मेरे पति को जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चुप चुप, बोलो ना डॉक्टर। माफ कीजिए देवी जी, अगर सिर्फ पैसों से लोगों की जान बच सकती थी तो अमीर आदमी कभी मरते नहीं थे। सरकेश्वर समझा दो इन्हें। हाँ डॉक्टर, यस भाभी जी। भाभी चल चल चल, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इनके पति है बाबूजी, वजन इतना बढ़ गया था कि जान को खतरा था, ऑपरेशन करके सब चर्बी बाहर निकालनी पड़ी है। बराबर है ना पैसा? भाभी टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से, उन भेजता साले को। जल्दी भेज देना। हाँ फिकर नहीं, ये तेल तो चिंदी चोर, निकल यहाँ से। अच्छा बेटा तू अपना काम कर। अरे पिछली बार जब हम आए थे तब भी आप यहीं थे, आप ठीक तो है ना? श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वो जो विधायक बल चाहत, वो तनुचार के हार्ट अटैक। डॉक्टर मोटी, माँ बाबू जी का अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी, दस दूर फ्रॉम नाउ। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू, और कोई बीमारी नहीं आती तुझे? जब भी देखो तो छाती पकड़े। मिश्रा जी को देखो, व्हाट अ नेचुरल एक्टर, 3 साल से लेट रहे लेकिन आज तक बाबूजी को शक नहीं पड़ा। उल्लू। गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो। और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा। आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या आदमी था वो, अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका। वाट नहीं, दुर्गति दुर्गति। व्हाट अ मैन, क्लास है। ये साड़ा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी, वाज बढ़ा दे। पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं, आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राइडे रखते। अगर ड्राइडे नहीं भी होना तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते। नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपुन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं? टोटल, अपुन क्या है बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल। और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपुन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना। आप कभी झूठ नहीं बोलते? You never lie? एक टाइम बोला था 92 में, क्या है कि एक बच्चे का अठन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था, अपुन ने उसको अपना अठन्नी दिया और बोला कि तेरा है रख ले। मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है। अच्छा आप करते क्या हैं? अपुन प्रोफेसर है। प्रोफेसर? हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता ना। आई मीन, पर आपकी भाषा। अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट बतबे के दुर्गति हो गई लिए, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया है।
तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया है। यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए। करेक्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। प्रोफेसर साहब एक सवाल है मेरा। एक मिनट। सवाल पूछने से पहले हम सब मिलकर बापू को याद करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति पावन। अरे बापू थैंक यू। अपन को सामान लेना बस। अरे हो गया। अरे बस करो भाई बस करो। जो भी सवाल पूछना पूछो। बिंदास। बेटा कल यहाँ पार्क में मेरे सामने एक नौजवान ने पत्थर मार के बापू के स्टैचू का हाथ तोड़ दिया और फिर खड़ा खड़ा हंस रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं। सिंपल है, वो नौजवान के घर पे जाने का, उसको वहां से उठाने का, बापू के पुतले के सामने खड़ा करने का और एक और पत्थर देके उससे कहना चाहिए कि मेरा पूरा पुतला गिरा दो। ये क्या बोल रहा है बापू? जो मैं कहता हूं वो कहो। आई श्योर। वो नौजवान के हाथ में पत्थर देने का और बोलने का कि बापू का फुल पुतला गिरा दो। इस देश में मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो। ये फुल कंट्री में बापू का जितना भी पुतला है ना सबको गिरा दो। मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो। बापू की जितनी भी तस्वीर दीवार पे लटकीली है ना सबको हटा दो। हर इमारत हर चौराहे हर मार्ग जिसपे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। वो क्या है कि हर बिल्डिंग नोट वोट रोड से बापू का नाम निकाल दो। अगर कहीं रख सकते हो तो मुझे अपने दिलों में रखो। अगर बापू को रखने का ही चाहिए तो अपने दिल में रखो ना। समझा क्या? इधर रखना मांगता है हार्ट में। अरे क्या नहीं किया उसने अपुन के लिए। जेल गया, फास्टिंग किया, एक धोती पहन के अक्के कंट्री का राउंड मारा, गोली भी खाया इधर इधर। और अपुन ने उसके लिए क्या किया? एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है। वो सोचा कि अपुन अपना कंट्री क्या मस्त बनाएगा एकदम इंपोर्टेंट जैसा। अपुन ने सलाई कंट्री का वाट लगा दिया। अरे नहीं बेटा इतना भी बुरा हाल नहीं है, आजकल देश तरक्की कर रहा है। अरे घंटा तरक्की कर रहा है। नल है लेकिन पानी नहीं है, बल्ब लगे है लेकिन बिजली नहीं है, रोड पे गाड़ी कम है खड्डे ज्यादा है, अरे फुटपाथ पे तुम चल नहीं सकता क्योंकि दुकान खड़े है, ट्रेन है लेकिन नाम वेटिंग लिस्ट पे, टिकट कंफर्म होता है तो ट्रेन कैंसिल होता है, अस्पताल जाओ तो बेड खाली नहीं है, बेड मिलेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, अरे कंप्लेन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, नेता के पास जाओ तो बाबू के पास भेजता है, बाबू के पास जाओ तो मीटिंग में, घर पे फोन करो तो बाथरूम में, जब वो मिलेगा तो बोलेगा कि एप्लीकेशन दो, वो भी डुप्लीकेट में, और फिर वो एप्लीकेशन घूमता रहेगा राउंड एंड राउंड। आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है लेकिन लोग पराए हो गए। ए, क्या हुआ इसको? सुसाइड केस है, जहर खाया है इसने। तो इधर कहीं को पड़े ले, अंदर लेके जाना। वो क्या उसकी माँ फॉर्म भर रही है ना उधर, जल्दी कीजिए ना। सुन डॉक्टर, वो बेचारा मर रहा है, कुछ करना। सॉरी, उसे कैजुअलिटी में ले जाइए, आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी बोले तो? जहर खाया है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए, इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड, पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की भेंट करेगा? बोल। या, 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 या,
आंटी तुम्हारा छोकरा है क्या? टेंशन नहीं लेने का, उल्टा करके दो हाथ मारेंगे ना सब कचरा बाहर निकलेगा। तुम कौन हो बेटा? मुरली प्रसाद शर्मा, फर्स्ट ईयर, टॉप किया ना, क्लास को लेट हो रहा है ना, अगर डॉक्टर ने टेंशन दिया ना तो आप उनको बोलने का। ए, जल्दी ठीक कर। हेलो मैडम। क्या है? ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है? क्यों क्यों बोले तो? तुम क्लास क्यों ढूंढ रहे हो? अरे अपन को लेट हो रहा है ना। किस बात के लिए? क्लास के लिए, आज अपन का पहला दिन है। लेकिन तुम क्लास में क्या करोगे? अपन स्टूडेंट है ना। तुम स्टूडेंट हो? एंट्री के एग्जाम में टॉप किया ला अपन ने, क्लास किधर है? हेलो क्लास किधर है? तुम स्टूडेंट हो? एक काम करो, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुमन। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, अपुन ढूंढने का। ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है? आगे से लेफ्ट में। हे अंकल, तू बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है अंकल, ऐसी लड़की तेरे बेटे को फिर नहीं मिलेगी। कौन सी लड़की इतने सारे पब्लिक के सामने सच बोलने की डेयरिंग करेगी अंकल? हाँ अभी वो 11:55 को पैदा हुई तो इसमें इसका क्या मिस्टेक है अंकल? अरे कॉमन सेंस है यार, इसमें तारों सितारों को काई को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो महाशय आप क्या चाहते हैं, ग्रह दशा जानकर भी हम अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें? तू कौन है बॉस? मैं ज्योतिष हूँ, बटुक महाराज। आला तेरी तो ये वो भाई अपना बुढ़े लोग घर है ना, इसकी वजह से गया। अभी नया स्टोरी लाया साला, कि अगर ये शादी होगा तो लड़का मर जाएगा, तेरे को कैसे पता? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं। देख तेरी बात रॉन्ग भी हो सकती है ना बॉस, आज तक तो हुई नहीं है भाई। ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोलता हूँ अपन कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम। ए, जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, आखी मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? ए, बात सुनो, मैं मौसम की जानकारी नहीं देता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता, अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अपने को क्या मालूम, तू ज्योतिष है रे, अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? संकट क्यों आएगा? ए सर्किट बंदूक निकल। ए देख संकट। ए सर्किट एम लगा, अपन सारा 10 तक गिनेगा, 10 के बाद गोली चला देना। हाँ पिंदास। देखो तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ए बटोक, हाँ। तेरे को अपनी कुंडली पर फुल कॉन्फिडेंस है ना, देख साला हिलेगा नहीं। हाँ नहीं, कोई मजाक थोड़ी। सुनो तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। भाई और बहनों डरने का नहीं, अपन बहुत अहिंसक आदमी है, लेकिन अपन श्योर है कि गोली इसका खोपड़ी से पार हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं होगा। ए हटो, गोली थ्रू एंड थ्रू जाने वाला है। इसको इसको क्या कर रहे हो तुम? क्या एक हटाओ इसको। मैं सुनो, दो, मैं कहता हूं बंद करो इसे। तीन, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी बात? हटाओ ना यार। सुनो यार मेरी बात सुनो, तुम आप लोग कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे घर बुला कर कोई करता है क्या? पुराने साहब आप तो कुछ करिए ना, देखिए बस दस नहीं बोलो। हेलो भाई, तो टपा गया ऑर्डर है तेरे, सॉरी बोलने का है। अंकल जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम वो दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? ये शादी मत रोक अंकल, अपन तेरा हाथ जोड़ता है। हरी डेसा है क्या? आपका नाम? अपन मुरली प्रसाद शर्मा। क्या काम है? प्राइवेट है। वो मीटिंग में है, मैसेज देना हो तो मुझे दे दीजिए। उसको बोलना कि काम हो गया, वो लाश है ना बंगले के पीछे गाड़ी के डिक्की में पड़े, ले पेमेंट लेने को आए। ले किधर है ऑफिस? अपन बोलता है टेंशन नहीं लेने का। ओके फाइन यार, थिएटर पे ही मिलते हैं, बोलना मत। संडे 3 से 6। अरे
6 से 9 कर दे यार। अरे 5 बजे तेरे बाप का बर्थडे है यार। देख केक तू लेके आना और उस पे मस्त लिखना हैप्पी बर्थडे पापा। चल सी ऑन संडे ओके या बाय। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। तू क्या खिड़की से आता है क्या? चल छोड़, अंकल के लिए गिफ्ट क्या लाएगा सोचा है? लुक प्लीज डोंट इंटरफेयर, ये मेरा फैमिली मैटर है ओके। अरे बर्थडे के दिन गुस्सा बाजू में रखना यार, तेरा बाप तेरा कितना बर्थडे मनाया होगा। अरे आधे घंटे के लिए आ जा यार, हैप्पी बर्थडे बोल के निकल जा, अक्खा दिन स्माइल रहेगा उसके मुंह पे। प्लीज कम विद मी। हाँ प्लीज चलो चलो। थैंक यू वेरी मच, आफ्टर यू, गुड बाय, गेट आउट। गेट आउट बोले तो आउट इडियट। You didn't understand that, huh? You wanna fight me, huh? You wanna fight me, huh? Come on! You know, I used to be a boxing champion. Agar tu boxing champion hai na, to apun lafa champion hai. Ruk! Thoda upar, thoda left. Ye sab uncle ki galti hai. Bachpan mein tere ko paanche lafa mara hota na, to aaj ye nobat nahi aati. हेलो हेलो बिंदु। या हाउ आर यू हनी? वेयर आर यू? बस मैं ऑफिस के बाहर हूँ। अच्छा एक काम करना, ऑर्डर ऑफ बर्थडे केक ऊपर लिखवाना हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट डैड और नीचे लिखना फ्रॉम हरी योर लविंग सन। डार्लिंग क्या जरूरत है? हनी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज माय फादर। बट डार्लिंग जस्ट शट अप एंड डू व्हाट आई से। ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी, बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट और घर पे जो कारपेंटर है उसको ऑफिस भेज दो, बालकनी में ग्रिल्स लगवानी है अर्जेंट। ऊपर ले लो अभी प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आत्माराम, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर द बेस्ट डैड एवर, वी फॉरगेट यू नेवर, हैप्पी बर्थडे डियर रेस्ट डैड, happy birthday to you। अपुन उसके ऑफिस गया और उसको विनम्रता से समझाया और वो समझ गया, लेकिन अपुन की जगह कोई दूसरा होता ना तो उसके साथ हिंसा करता, उसको लाफा मारता, उसको बारामाली की बिल्डिंग से लटकाता, फिर वो थोड़ी आता। दिस इज रियली अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच मुरली। बोले तो तुम्हारे लिए अपुन के पास एक और सरप्राइज है। तुम कल अपुन के साथ एक घंटे के लिए आएगा क्या? कहां? ये बोमी अंकल, तुम्हारा गाड़ी का चाबी मिलेगा क्या?